टिप रखता था। अरे ढेकेंडा रखता था। तीसरे दिन आया भैया कहानी में मोड़, और कहानी में मोड़ वो आया कि आप लोग सुन लेंगे ना भाई लोग, आप लोग का बताए, आप लोग खटिया छोड़ के उठ जाएंगे। कहानी में मोड़ ये आया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे पति उस दिन डरा के भाग गए थे, इसलिए मैं सुकन्या और चतुर्भुज की पूरी कहानी आप लोगों को बता नहीं पाई थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सुकन्या और चतुर्भुज की कहानी। और उस दिन सुकन्या मुझे पहचान नहीं रही थी, मेरी बचपन की फ्रेंड थी लेकिन मुझे पहचान नहीं रही थी, इसलिए रात में आके मुझे डिस्टर्ब करने लगी थी। इसलिए दोस्तों मैं आज देखिए पूरा पेंट ऑन पोत के आई हूँ, फुट्टी उट्टी लगा के आई हूँ, और सुकन्या आज मुझे पहचान नहीं कर रही। हाँ अब तो ठीक बड़े, अब तो लगा तरह के गो मेहरारू हो। तो सुकन्या अब तुम्हारी सारी बातें पूरा दुनिया को पहुंचाएंगे, तुमको इंसाफ मिलेगा, तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आई एम द गोरखप्रिय भौजी, तुम्हारी भौजी नहीं है, तुम्हारी नातिन लगेंगे, ठीक है। तो हमको गर्मी वाला स्वेटर निकाल लेने दो, रुक जाओ। ए तुम काय वीडियो काट रहे हो, सब लोग चले जाएंगे डरा के, तब थोड़ा सा उसका फेस कटिंग मेरा मिलता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ नहीं तो रुका रहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अहिर भकोल बुझावे माठा। दुनिया कहेला अहिरन के देख के कि अहिर भकोल बुझावे माठा, तो हम उदाहरण देवल चाहता नहीं। ए छीछा करबे तो पटक के मारे में पक दे छितरा दीबो। सर्दी भइलवा, सर्दी भइलवा, ठीक नहीं सके निका। कैमरामैन चेंज कर देंगे हम अपना, ठीक है। ज्यादा नाटक मत किया करो हमसे, जब हम वीडियो बनाते हैं मूड में आते हैं तो मूड मेरा एक्साइटेड रहने दो। खासिया होता कोरोना ना होकर बक तरह के। तो दोस्तों हम कहां थे, मतलब हम यही थे, अहिर भकोल बुझावे माठा पर थे ना। पता नहीं हमें कामल, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं, तुम मत बोला करो, हम भुलवा देते हो तुम हमको। 750 साल पुराना कहानी हम बता रहे हैं, तुम हमको डिस्टर्ब मत किया करो यार। जिगरा होना चाहिए कहानी बताने के लिए, समझ नहीं सकते। जिगरा नहीं चाहिए, दिमाग कलेजा होना चाहिए, यादाश्त। वो भी 7.5 किलो का कलेजा, वो किसी और का नहीं है, आइंदा मेरा कलेजा है 7.5 किलो का। 750 पुराना कहानी जेकरे पास यादाश्त तेज रही हुए बताई ना। मेरा यादाश्त है ना, मैं 27.5 करोड़ पुराना कहानी बता दी, और आगे बतावा। तो फिर देखिए इस आदमी के चक्कर में हम रहेंगे तो बुढ़ा जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम अपने मुद्दे पर आते हैं, ज्यादा कुछ बकवास ना करते हुए। तो फ्रेंड हम कहाँ थे, अहिर भकोल अहिर भकोल बुझावे माठा पर थे। तो अहिरा जो था, सब लोग भुजैनिया को पास जाते थे भुजा बुझवाने, तो अहिरा सोचता था कि इसको देखा कैसे जाओ। भुजैनिया जो थी ना ऐसे, हम उस दिन आप लोग को बता नहीं पाए थे अच्छे से, भुजैनिया ऐसे गुगुट काटती थी, आप बुझवा बुझ के दे देती थी, अहिरा देख नहीं पाता था। तो अहिरा कहा चलो चलते हैं, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया, सब लोग लेके गए गेहूं धान चाउर जौ मकई सरसों, मतलब सब लोग लेके गए बुझाने के लिए। अहिरा लेके गया माठा बुझाने के लिए। तो लोग बोले कि ए बुझनिया, ए बुझनिया, है देखो बे अहिरा कर बहन चो लेके आई बा माठा बुझावे। तो बुझनिया चौकिया के घुघुटवा अपन उखाड़ दे, कैसे उघर ले, हैसा तो पले रहल ऐसे उघर कल का माठा बुझावे आई बा बकलोल कहीं निके जाके ऐसा ताक दिया। अहिरा मलक्का च दे आके कल यही से नहीं है तहके माठवा बुझावे, तू तो बुझलू नहीं है आ तो के दुनिया ना देख पौल आई अर बकोल देख ले। तो लोगन बुरा नहीं मानिया सुकन्या बैठल बाड़ी, उनकर बात हम बतावा था नहीं। तो कहानी चतुर्भुज सुना, चतुर्भुज जौन रहने यही बसवारी में। सुकन्या कहानी हम नहीं सुना यार, तुम पूरा पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपने दो हम अपने शूट कर रहे हो, तो हमको हम नहीं जाते नहीं, हम जाते नहीं। सुन लो भाई, सुन लो यार, पब्लिक को डिस्टर्ब मत करो, पब्लिक रोज तक को हका ओके भगा दे, हम भगा नहीं देंगे काहे, वो उसको हम दिए हैं हथियार, टांगी दिए लेके बैठी है। फ्रेंड हम आपसे बताना चाहते हैं, चतुर्भुज तो जो था वो इसी बसवाड़ी में फर्नीचर का दुकान खोलना चाहता था, इसीलिए तो उसके बगीचे से और है फलाने के बगीचे से ढेमकाने के बगीचे से बल्ली सिलवट्टा जो होता था, ये बल्ली मोटा मोटा बल्ली होता है ना, सिलवट बल्ली वही बल्ली लेके आता था और यही पर रखता था, यही पर रखता था। अरे ढेकेंडा रखता था। तीसरे दिन आया भैया कहानी में मोड़, और कहानी में मोड़ वो आया कि आप लोग सुन लेंगे ना भाई लोग, आप लोग का बताए, आप लोग खटिया छोड़ के उठ जाएंगे। कहानी में मोड़ ये आया कि वो जो था चतुर्भुज बनाया सबसे पहले एक दरवाजा, घर तो था नहीं, ये बसवाड़ी था, ठीक है, घर तो था नहीं बसवाड़ी था, जैसे दरवाजा लगाया
वैसे ही सुकन्या कही कि आज रात को आइए मिलते हैं, उसके बाद से चतुर्भुज और सुकन्या दोनों लोग केवाड़ी लगा दिए, दरवाजा बंद कर दीजिए और अगल बगल जो सारी देख ही रहे आप लोग, अगल बगल दरवाजा लगाए ही नहीं थे, तो मिलने के लिए बुलाई सुकन्या। जैसे दरवाजा लगाई खड़ाक आया आया चतुर्भुजवा, दरवाजा खुलवा नहीं किया, बिना दरवाजे पीछे से घुस गया, अब दीवार रहे तब ने दरवाजा, तब तक तो गांव का प्रधान आ गया, दरवाजा बोला चोर। तोड़ते हुए डर लगता है।